श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? तो भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 7:30, और उठने को तो मैं उठ गई थी 6:05 पे, लेकिन मैं बिस्तरे के अंदर ही थी और थोड़ा सा काना उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसको खा रहे थे मच्छर, तो थोड़ा बहुत मैंने मच्छरों को हटाया और अपने कमेंट्स चेक कर रही थी। और कमेंट्स बॉक्स 2 दिन से मेरा बंद हो रहा है, वो थोड़ा सा रीजन था, बस ऐसे ही पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे। मैंने कहा कि 1-2 दिन में कमेंट्स बंद कर देती हूँ, अभी कमेंट्स बंद नहीं करूंगी। आप लोग परेशान हो गए होंगे, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मैं कमेंट बॉक्स बंद कर देती हूँ, नहीं करूंगी। बस थोड़ा सा कुछ रीजन हो जाता है, वो इसलिए कमेंट बॉक्स मुझे बंद करना पड़ता है। और अभी सुबह का टाइम है, तो हाथ मुंह धो लिया है मैंने, ब्रश कर लिया है मैंने, फ्रेश हो गए हैं और बस बाल नहीं बनाए हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी नहाना धोना थोड़ी देर में होगा और हस्बैंड जी भी पहुंचने वाले हैं, तो अभी है वो रांची एयरपोर्ट में और थोड़ी देर में हमारे पास वो पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि वो तो पहुंचेंगे 11 बजे, 11 बजे से तो पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ अपने। तो मोटर मैंने ऑन कर दी है और अभी बनाऊंगी मैं चाय। और ये देखिए, ये कल रात का पानी गर्म है, इसी को मैं पीऊंगी, पहले गर्म करूंगी अपने लिए और पीऊंगी। और आज का दिन कैसे होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी रूटीन होगा आप लोगों के साथ सब शेयर होगा। ये गैस का लाइटर भी खराब है और गैस भी, तो तभी बदला जाएगा जब थोड़ा सा अपना ठिकाना हो जाएगा हमारा। ऐसे किराए पे कुछ भी नहीं जोड़ने वाली हूँ मैं। तो चलिए, और कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया, हर वीडियो में आप लोग ढेर सारा प्यार देते हो, और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस कुछ दिन जब तक मैं थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियाँ ना चढ़ लूँ तब तक थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। और जब भी आपका टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि जब भी मेरी वीडियो आए और आपका टाइम ना हो और आप मेरी वीडियो देखें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा परेशान नहीं करूँगी और ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगी। और वैसे जिसको देखना होता है वो थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। वैसे मेरे जितने भी सारे मेरे व्यूवर्स जितने भी जुड़े हैं ना मेरे से, सब पूरी वीडियो देखते हैं और मुझे उन पर विश्वास है। थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो वो कुछ कुछ वीडियो पूरी ना भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब कम सब्सक्राइबर होते हैं ना तो थोड़ा सा उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर पूरी वीडियो देखना थोड़ा सा हम तभी बोलते हैं फिर पूरी वीडियो देखने के लिए कि थोड़ा रैंकिंग अच्छी हो जाए वीडियो की। पता क्या है, थोड़ा सा जुखाम सा लगा है, और जुखाम क्यों लगा है कि हल्का सा फैन चलाना पड़ता है मच्छरों के कारण। काना को इतने ज़्यादा मच्छर खाते हैं, वो सारी रात परेशान रहता है, इसीलिए मैं रैकेट लाई हूँ और रैकेट से मैं मारती रहती हूँ सारी रात भर मच्छरों को। उसको बहुत ज़्यादा मच्छर खाते, उसको और मेरे को, उसके पापा को और दीदी को नहीं खाते इतना। तो अभी देखो, काना और दीदी सोए हुए हैं और बिल्कुल भी वो ना कंबल नहीं लेता काना, ये देखिए कंबल बिल्कुल भी नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं। दीदी अच्छे से सोती है लेकिन काना हटा देता है, ये देखिए हटाया हुआ है अभी भी, और कभी कभार तो मैं चपेट भी लगा देती हूँ जब ज्यादा ही परेशान कर देता है। तो चलिए अभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पानी गर्म करने के लिए रखा और भूल गई, तो अभी तो ये पूरा खोल ही गया है, इसको ठंडा होने देती हूँ तब पीऊंगी। इसमें मैं ठंडा पानी भी नहीं मिला सकती क्योंकि फिर उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो पानी तो हो गया मेरा बहुत गर्म, अभी उसको ठंडा होने देती हूँ। और कल रात को धोए थे मैंने यहाँ पे कपड़े, और उन कपड़ों को निकाल लेती हूँ मैं मशीन के अंदर से, ये देखिए, और इन कपड़ों को टांग दूंगी फटाफट से, फिर पीऊंगी चाय। ये जितने भी कपड़े हैं ना, सब मैंने कल रात को धो दिए थे हाथ से और इजी में भिगाए थे, थोड़ा सा सरफ भी ऐड किया था। और क्योंकि ये ऐसे कपड़े हैं कि मशीन में मैं नहीं धो सकती थी इनको, और वैसे भी ये थोड़ी सी पुरानी मशीन हो गई है तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं धो पाती है, और नई मशीन मैंने अभी लगाई नहीं है, तो थोड़ी देर बाद में कपड़े डालूंगी, थोड़ा धूप भी आ जाएगी और यहाँ पर पानी भी मेरा ठंडा हो गया है, और चाय मैं बाद में पीऊँगी थोड़ा सा, पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था ना पानी, तो इसलिए। और तुरंत नहीं पीना चाहिए, मेरी दीदी का भी एक दिन मेरे वीडियो पे मैसेज आया था, कमेंट आया था कि तुरंत नहीं पीना चाहिए, सही बात करी थी वो। तो यहाँ पर चाय तो मैंने रख दी है, तो काफ़ी देर लगेगी, अभी आधा घंटा तो चाय पीने में लगेगा,
क्योंकि खोलना भी है चाय ने, और है ना, तो तब तक मैं यहाँ पर सिप सिप करके पानी पी लेती हूँ गरम। और गरम पानी तो हमेशा ही पीते हैं, एक एक दो दो गिलास, और गिलास भी काफी बड़े हैं। गाइस दूध तो मेरा फट चुका है, ये देखिए। और अभी मुझे सबसे पहले दूध लाना पड़ेगा दुकान से और फिर पीऊंगी चाय। चलो कोई बात नहीं, वॉकिंग भी हो जाएगी मेरी। तो अभी मुझे तो गाइस आ चुका है दूध, और अभी मैं दूध लेकर आ गई हूँ। तो एक गैस पे मैंने दूध रख लिया है गर्म होने के लिए, और एक गैस पे मैंने चाय रख ली है, तो अभी बस चाय बन जाएगी। और ये देखिए, कल रात को ना बाबू ने किया ये गैस साफ, वही चाय गिराती है और वही साफ नहीं करती है ढंग से, तो सॉरी इसको इग्नोर कीजिएगा। हाय कर दो, हाय गाइस, हाय गाइस, राधे राधे बोल दो। और खाना उड़ चुका है, और खाने का अभी पेपर हुआ था। तो कितने मार्क्स आए आपके? 30 में से 30, तो 30 में से 30 मार्क्स आए हैं खाना के, और खाना के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और पता नहीं कैसे आते हैं, पढ़ते हो? पढ़ते तो नहीं हो, पर फटाफट से दाल चावल सब्जी और रोटी फिर बाद में ही बनाऊंगी, अगर खाएंगे तो वैसे खाएंगे वो। और बाबू ले रही है यहाँ पे क्लास। हाय हाय हाय, उसका तो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है ना तो वो तो गुस्सा हो जाती है। अभी मैडम नहीं आई ना, इसलिए ले गई हूँ मैं वहाँ फोन। तो यहाँ पर मैंने सब्जी काट ली है, ये देखिए, ये है गोभी, मटर और आलू, और दो प्याज काटे हैं मैंने। अभी मैं बनाती हूँ फटाफट से दाल चावल सब्जी, वो भी पहुँचने वाले होंगे और पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने चावल तो धो लिए हैं साफ करके, और अब दाल भी धो लेती हूँ। और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं एक एक करके चीज़ें बनाऊँ, तो अभी मैं एकदम फ्री हूँ खाना बनाने के लिए। बीच में कोई काम नहीं आया है, कपड़े भी मैंने बाहर सारे रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चढ़ाऊँगी सब्जी, और उसके बाद मैं दाल चावल चढ़ाऊँगी। और आटा गूंदा हुआ है तो रोटी खानी होगी तो बनाऊँगी, वैसे मैं तो रोटी ही खाऊँगी क्योंकि मेरे को लगा है बहुत बड़ा वाला जुखाम। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा लहसुन और अदरक कूट रही हूँ मैं, और ये देखिए क्लिप डिलीट हो गई थी यहाँ की, मैंने तेल भी डाल दिया था, प्याज भी भून लिए थे, और लहसुन मैंने थोड़ी देर बाद भुना। तो अभी मैं सब्जी डाल देती हूँ इसमें, और सब्जी गोभी आलू टमाटर ये सब है, टमाटर नहीं है सॉरी मटर वगैरह है। तो इसमें मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, और ऐसी मिक्स सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और दो प्याज भी काटे हैं मैंने इसमें, थोड़ी सी कम थी ना सब्जी, तो हो जाएगी दाल चावल के साथ के लिए। और ध्यानी जी आ रहे हैं तो उनको इसी तरीके का खाना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन से वो होटल का ही खा रहे हैं, तो बाहर से आके ऐसा खाना बनाने का वो खाने का मन करता है ना। तो यहाँ पर चावल भी धो लिए थे मैंने, और अभी चढ़ा लूँगी मैं साथ के साथ, क्योंकि वो पहुँचने वाले एयरपोर्ट से निकल गए हैं। तो गरम गरम खाना मैं तब तक बना के और रख दूंगी। तो इसमें 4 काली मिर्च रखी है मैंने, और 2 लौंग रखी है क्योंकि उनको भी जुखाम है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है जीरा, और मैं इसी तरीके की दाल बनाती हूँ, छड़बड़ी वाली अच्छी वाली। प्याज में नहीं भुनूंगी मैं, पहले मैं दाल चावल ये सब और कूट के इसको अच्छे से, हरी मिर्च भी मैंने उसमें डाल दिए, ढेर सारा लहसुन भी डाल दिया, अदरक डाल दिया, और एक वैसी इलायची डाल दिए। तो ये देखिए बस इस तरीके से बनाऊंगी मैं छड़बड़ी वाली दाल। और बाकी जो मसाले होते हैं, सब्जी मसाला, हल्दी, मिर्च, नमक, वो सब मैंने ऐड कर दिया है, और पानी डाल दूंगी और 1-1.5 सीटी मरवा दूंगी इसको। बस दाल भी हमारी रेडी हो जाएगी और बहुत अच्छी होती है। और बाद में मैं इसको छौंका बाद में लगाऊंगी, और आज मैं दाल में छौंका कैसे लगाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की दाल। तो बस तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, और ये सब्जी भी मेरी यहाँ पर अलस गई है थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर लिया है, और 2 मिनट बस सब्जी और रहेगी और फिर पक जाएगी। तो यहाँ पर बर्तन तो नहीं है, लेकिन ये एक आध ये जो टोकरी है ना वो धोई मैंने। और यहाँ पर काना पढ़ाई कर रहा है, उधर दीदी पढ़ाई कर रही है, क्लास चल रही है दोनों की। तो प्रेशर की यहाँ पे सीटी आ गई है, और ये देखिए चावल भी बन चुके हैं। चावल मैं इसी तरीके के खुले चावल बनाती हूँ, ऐसे अच्छे होते हैं, प्रेशर के अंदर नहीं बनाती मैं चावल प्रेशर में। और यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, और अभी मैं छौंका लगा देती हूँ दाल में। ध्यानी जी पहुँच गए हैं, नहा रहे हैं,
और ये देखिए, मैं आप लोग वो सोचोगे कि छौंका लगाना किसको नहीं आता, लेकिन मैं किस तरीके से लगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मेरा जुगाड़, मैंने कप रख लिया है उसके नीचे, तो थोड़ा सा पहले जीरा ऐड किया मैंने और थोड़ा सा मैं जलाती हूँ इसको, एकदम नहीं जलाना है। और ऊपर से जो ये खड़े धनिया के दाने होते हैं ना, इनको डाल दीजिए आप, इतना ज़्यादा स्वाद आता है। थोड़ा सा मैंने अजवाइन हींग डाल दिया है और अब मैं हरी धनिया पत्ती डाल दूँगी इसमें कटी हुई। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की दाल बहुत अच्छी लगती है, कभी कभार इस तरीके की भी मैं बनाती हूँ और रात में ज़्यादातर मैं ऐसी ही दाल बनाती हूँ। और वो जो प्याज लहसुन अदरक में भून के कम बनाती हूँ, उसमें मुझे अजीब सा स्वाद लगता है। 5:05 हो रहा है और मैं जाती हूँ दुकान पे और हस्बैंड जी के लिए लेनी है, यहाँ तक की जो वो आती है, क्या आती है, बनियान सी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और ये ना जो चोट से हो रखे है इनको मैं कटवा ही देती हूँ, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मेरे को, बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको अलग कराने के लिए, ये इतना इतना करा देती हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगी, यू शेप में इतना इतना करा देती हूँ। गर्मी तो नहीं लगी? नहीं, भर भर के ठंड है, काना कह रहा है वैसे भी बाहर भर भर के ठंड है। अपनी दवाई लेना भूल गई, मेडिकल स्टोर से आ रही हूँ, मास्क वगैरह सब लिया वहां से, लेकिन अपने मास्क दवाई नहीं ली। मेन बात तो मैं बताना भूल गई कि कटिंग मेरी हो नहीं पाई, वहां पे ब्राइडल आई हुई थी और उनकी सारी फौज आई हुई थी वहां पे तैयार होने के लिए, है ना, और सारे लोग जितने भी पार्लर के लोग थे वो सब बिजी थे। मैंने थोड़ी देर बैठी, मैं वेट किया मैंने, और मैंने आइडिया लगा लिया था कि अभी नहीं होगा काम, मैंने कहा कल सुबह आऊंगी मैं।